सो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि आप सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को या मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग 4 घंटे के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं, जी हाँ, विदाउट फ्लाइट्स। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पयखली। और गाइस, अगर आपको हर्मिटेज म्यूजियम के बाहर पैलेस स्क्वायर में रॉयल वाली फीलिंग का मज़ा लेना है तो आपके लिए हॉर्सेस हैं, रथ हैं, यहाँ पे आप इस पर बैठ के एकदम रॉयल फील कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस एरिया को। सो ये है रथ पे बैठने के लिए प्राइस, 3 से 4 मिनट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 500 रूबल्स, और उसके हिसाब से 20 मिनट के लिए 5,000, और बहुत ज़्यादा आगे तक है तो मिनिमम 500 रूबल्स आपको पे करना पड़ेगा स्क्वायर पे इस सवारी का मज़ा लेने के लिए। चलो चलो, अभी ज़्यादा आइस नहीं है इसके लिए लगेज को घसीट सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रहता है। बट अभी जो देख रहे हैं नीचे काफ़ी स्लिपरी रहता है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अभी और जिस स्टेशन पे हम जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग के, उसका नाम है मॉस्कोवी वक्जाल। सो ये है सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेशन मॉस्कोवी वक्जाल, जहाँ से आपको मॉस्को के लिए ट्रेन मिलेगी। और ये है एरिया स्टेशन के पास का, ये मॉन्यूमेंट आप देख लीजिए, इसको आप याद रखेंगे तो आपको स्टेशन आराम से मिल जाएगा। ये एकदम नेविस की प्रस्पेक्ट में ही है, तो नाम है इसका मॉस्कोवी वक्जाल। सो दिस इज़ अ स्टेशन मॉस्कोवी वक्जाल, मॉस्कोवस्की वक्जाल। और खाने पीने का काफ़ी सारा इंतज़ाम है यहाँ पे, कैफे शॉप, रेस्टोरेंट, रशियन मैकडोनल्ड, सबवे, मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैप, मैप दिया हुआ है ट्रेन का वॉल पे, आगे में स्क्रीन, देखते हैं टाइम टेबल अपनी ट्रेन का। ये है ट्रेन का शेड्यूल, अपनी ट्रेन है 771, अभी टॉप में है, जिसका टाइम है यहाँ से निकलने का 1500, और नंबर 11 प्लेटफॉर्म पे आएगी। टिकट्स की बात करें तो टिकट्स हमने ऑनलाइन ख़रीदी थी, टिकट्स आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या तो स्टेशन के अंदर, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आके आप टिकट्स ले सकते हैं। सो यहाँ पे चेक करेंगे पासपोर्ट और टिकट। लुक्स कंफर्टेबल, और यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं आराम से। कंफर्टेबल And the journey begins. यहाँ पे देखिए ट्रेन के भी प्रेजेंट स्पीड दिखा रहा है, तो अराउंड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ का वॉशरूम टॉयलेट कैसे है। नॉर्मल है, क्वाइट बेसिक है, बट प्लेन के कंपैरेटिवली आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है जैसा कि प्लेन में रहता है। Music, like so guys, कुछ ही देर में मॉस्को आने वाला है,
और वेरी कंफर्टेबल ट्रेन, खाली 4-5 जगह रुकी ट्रेन और वो भी 1-1 मिनट के लिए। सो गाइस मॉस्को में आ गए हैं आफ्टर ए वेरी कंफर्टेबल राइड। काफ़ी अच्छी ट्रेन थी, खाली 4-5 जगह रुकी और वो भी 1-1 मिनट के लिए, इसीलिए ये लंबी जर्नी 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ली। और वैसे तो मैक्सिमम स्पीड जैसे मैंने आपको बताया 250 किलोमीटर पर आवर की है, बट ये नॉर्मली 200 के आसपास मेंटेन किया, फिर भी 4 घंटे के अंदर पहुंच गई। अगर 250 रखा था तो 3.5 घंटे में पहुँच जाता है। और मॉस्को के जिस स्टेशन पर ये ट्रेन आती है, सबसे ट्रेन, उसका नाम है लेनिनग्राड्स्की। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये है कॉस्मोल्स्काया। आप यहाँ से टिकट लेंगे। ओके सो ये है मॉस्को सिटी की अंडरग्राउंड मेट्रो, ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जाती है, अराउंड 100 मीटर्स। सो ब्यूटीफुल स्टेशन है। सो गाइज अपनी ट्रेन आ गई है मेट्रो, अभी एक स्टेशन के बाद वापस से चेंज करनी पड़ेगी, चलिए चलते हैं। So this is our second train and then we'll be in hotel. Let's go. So guys, पहुँच गए अपने final metro station पे। Welcome to Moscow. We are here. So यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है। So ये है अपना होटल सामने वाला।